ये बात अपने दिमाग में गलत सिग्नल गया है, गलत मैसेज गया है कि कांजी स्वामी ने पुण्य को ही बताया। ये गलत है, गुरुदेव श्री ने पुण्य को ही नहीं बताया, पुण्य ही है। ये जिनागम में लिखा है, उनने तो बताया है कि ये लिखा है भाई। ये लोगों को ऐसा लगता है ये सोनगढ़ी पुण्य को, अरे भैया सोनगढ़ी पुण्य को ही नहीं बताते, पूरा जैन धर्म पुण्य को ही बताता है। तुम्हें पता नहीं था, हमने बताया, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने बताया। देखो भूधरदास जी की स्तुति सुन लो, उसमें लिखा है कि नहीं है, पुण्य पाप मिले तो पायन भेड़ी डाली। अब मुझे बताओ ये जो रचना है ये तो गुरुदेव से कितने पहले की है, और अभी पुराने आध्यात्मिक भजन उठाओ आप उसमें पढ़ो, कहीं पर भी अगर पुण्य को उपाधे बताया हो तो, सच बता रहा हूं, ये तो समझ लो गुरुदेव श्री के पहले ये सब आध्यात्मिक धाराएं बहती थी, लेकिन ये बिल्कुल झरने की तरह बहती थी। बहती तो थी, पता किसी को नहीं चलता था, क्योंकि लोगों को कुछ अतई पता नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, इतने समझते नहीं थे, इतने साधन नहीं थे, गांव देहातों में रहते थे, शास्त्र छपने की व्यवस्था नहीं थी, पेटियों में बंद रहते थे, कुछ अता पता था नहीं। और ये तंत्र मंत्र ये सब मैंने आपको बताया था, ये डॉक्टरी फॉक्टरी थी नहीं, अस्पताल थे नहीं, ये झाड़ फूक अतिशय छेद तीरथ छेद ये सब अपने आप में डेवलप हो रहे थे धर्म के नाम पर, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था, शास्त्रों में तो सब लिखा था। ये आप आध्यात्मिक भजन पढ़ो, ये सब लिखा हुआ है। ये तो आप 50 और रेफरेंस खोज लो कि पूज्य गुरुदेव श्री से पहले पुण्य को कितना ही बताया गया। ये तो जैन धर्म का मूल तत्व ज्ञान है, लेकिन समझने समझाने वाला कोई नहीं था। और पूज्य गुरुदेव श्री जब आए और उनको ये तत्व ज्ञान मिला और उनने जब इसकी धारा बहाई, तो वो जो झरने की तरह बहते थे ना, वो उनने समुद्र बना दिया। समझ में आया? तो वो फिर लोगों को पता चला गया यार ये क्या चीज़ है, तो वो सब उनके नाम पे आ गया, जैसे उनने चलाया हो या उनने, जबकि वे तो तुम्हारे ही पढ़ के तुम्हें बता रहे हैं। समय सार दिगंबरों का है कि श्वेताम्बरों का? दिगंबरों का। तो दिगंबरों का था, तो दिगंबरों में पहले से था कि गुरुदेव कहीं से लेके आए? तो उसी समय सार में जो लोहे बेड़ी बांधती तो स्वर्ण की भी बांधती, तो पुण्य पाप दोनों बेड़ी कर्म बेड़ी, ये पहले ही से लिखा था कि उनने लिख दिया? कई लोग कहते इनने एडिशन चेंज कर दिए। अरे तो भैया तुम जाके 16वीं ईस्वी का समय सार उठा ले आओ, जा उसमें तो नहीं कर सकते। अगर हमारा विरोध करना है तो ले आओ प्रमाण करो। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि हवा हवाई फायर करो, ऐसे तो सब पुण्य छोड़ देंगे, ये तो सब कर देंगे। अरे भैया हवा में बात मत करो, मूल तत्व ज्ञान जो है वो बताओ, उसको छोड़ देंगे छाड़ देंगे ये प्रश्न नहीं है। मूल वस्तु स्वरूप क्या है, सच्चाई क्या है वो बताओ, परम सत्य क्या है वो बताओ, सत्य चुभेगा सत्य तकलीफ देगा ये प्रश्न नहीं, सत्य तो सत्य है। अब वो तुम्हें चुभे चुभे नहीं जो हम क्या कर सकते, लेकिन सत्य बोलने से लोग डरते हैं। इसलिए अपने को इस पुण्य में उपाधे बुद्धि नहीं रखनी, और अगर अपन सच्चे मोक्षु हैं तो ये पुण्य के गीत बिल्कुल भी नहीं गाने हैं किसी भी अपेक्षा से। पुण्य ही है तो ही है, पूजा पाठ करना हो तो करना, तो घर जाना हो तो भाग जाओ, लेकिन तुम्हारे पुण्य को मैं शाबाशी देने वाला नहीं हूँ।